नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, आपको बहुत ज़्यादा जो है आपके अंदर वीकनेस है और आपका शरीर बहुत ज़्यादा दुबला पतला है, आपके गाल बिल्कुल पिचके हुए हैं और आपके शरीर की हड्डियाँ भी नज़र आ रही हैं और आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हो कि आपका शरीर जो है बहुत दुबला पतला है, आपको भूख नहीं लगती, आपका वज़न भी बहुत कम है, आप जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए दो एक ऐसी मेडिसिन लेके आया हूँ जिनसे आपकी सारी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों, वज़न अगर किसी का कम है और आप उसका अगर किसी का वज़न कम है, शरीर बहुत ज़्यादा दुबला पतला है, गाल भी बहुत ज़्यादा पिचके हुए हैं, शरीर की हड्डियाँ भी नज़र आती हैं, तो ऐसे लोगों को जो है हर जगह शर्मिंदगी जो है मिलती है। अगर वो अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं या अपने दोस्तों में बैठे हैं तो वो दूसरों को देख देख के काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं, क्योंकि और लोग तो काफ़ी हेल्दी रहते हैं और काफ़ी जो है उनकी बॉडी भी अच्छी होती है। अगर आपकी बॉडी बिल्कुल वीक है, कमज़ोर हो, आप दुबले पतले हो, तो आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते होगे अपने अंदर। दोस्तों, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए दो मेडिसिन ऐसी लाया हूँ जिनसे आपका वज़न भी बढ़ेगा, आपकी भूख भी बढ़ेगी और आपका शरीर जो है दुबला पतला है वो हेल्दी भी हो जाएगा और मोटा भी हो जाएगा। और अगर आपके गाल ये पिचके हुए हैं तो गाल जो है मोटे भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करने से पहले, लेकिन दोस्तों जो मैं आपको हर वीडियो में बताता ही हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, रिव्यू को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो मेडिसिन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका नाम है A to Z, A to Z टैबलेट। ये जो है आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी और ये एक पत्ते के अंदर 15 टैबलेट आती हैं और एक पत्ते का जो है प्राइस 140 रुपये है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और एल्कम लेबोरेटरीज कंपनी इस दवाई को बनाती है और इसके अंदर जो साल्ट है वो जो इसके अंदर मल्टी विटामिन और मिनरल्स और लाइकोपेन ये सब डाला गया है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव टैबलेट है। इस दवाई को कैसे खाना है, कैसे यूज़ करना है, इसकी डोज़ क्या है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इस दवाई को लेने से अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी, ओ सॉरी, अगर आपके शरीर में विटामिन की और मिनरल की कमी होती है तो वो पूरी हो जाएगी। साथ में लाइकोपेन क्या होता है, हमारे रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, खून की अगर कमी होगी तो वो भी बढ़ाएगा और जो है हमारे शरीर का वजन भी बढ़ाता है और वीकनेस जो रहती है शरीर के अंदर, कमजोरी महसूस होती है, थकान महसूस होती है, उसको भी ये कवर करता है। अब मैं आपको दूसरी मेडिसिन का नाम बताता हूँ, सिप्लेक्टिन। सिप्लेक्टिन टैबलेट सिप्ला कंपनी बनाती है और एक पत्ते के अंदर 15 टैबलेट आती है और एक एक पत्ते का प्राइस इसका 50 रुपये है, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और इस कंपनी का जो है, जो ये सिप्ला कंपनी है, काफ़ी फेमस कंपनी है, आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा और आपको ये दवाई मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। और इसके अंदर जो साल्ट डाला गया है उसका नाम है साइप्रोहेप्टाडिन, जो कि 4 mg डाला गया है। इस दवाई को आपको कैसे खाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, दोनों दवाइयों के बारे में बताऊंगा, लेकिन आपको मैं इसके बेनिफिट्स बता देता हूँ। इस दवाई को खाने से आपकी भूख बढ़ेगी, अगर आपकी जो है भूख बिल्कुल मर गई है, भूख नहीं लगती है आपको, आपका आपका बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होता, आपकी इच्छा नहीं होती, तो आप इस दवाई को जब इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपकी भूख बढ़ जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगेगी। और आप अगर 2 रोटी खाते हो तो 4 रोटी खाने लगेंगे, अगर 4 रोटी खाते हो तो 5 से 6 रोटियां खाने लगोगे, इतनी ज़्यादा इससे दवाई से भूख बढ़ जाती है। अब दोस्तों, मैं डोज के बारे में बताता हूँ, दोनों टैबलेट की डोज के बारे में बताता हूँ। A to Z टैबलेट है, ये आपको रात को लेनी है सोते टाइम खाना खाने के बाद, और ये जो सिप्लेक्टिन टैबलेट है ये आपको सुबह शाम दोनों टाइम लेनी है, सुबह नाश्ता करने के बाद लेनी है और शाम को जो है आप जैसे हल्का फुल्का जो भी कुछ खाते हो 5 बजे 6 बजे करीब आपको तब लेनी है ये। तो सिप्लेक्टिन टैबलेट सुबह शाम खाइए और जो A to Z टैबलेट है वो रात को सोते टाइम खाइए। तो इस तरीके से इसके डोज होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किसको कौन कौन इस दवाई का सेवन ना करें। अगर कोई बच्चा है 15 साल से कम उम्र का, वो 15 साल से या फिर 10-11 साल तक का कोई बच्चा है तो इसका सेवन ना करें दवाई का। अगर उनको करना है ऐसा तो किसी डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें, या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है तो भी इस दवाई का इस्तेमाल ना करें। अगर वो फिर भी करना चाहती हैं तो कंसल्ट करके, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें। अब मैं बता देता हूँ इस दवाई के साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, A to Z टैबलेट है तो ये मल्टीविटामिन टैबलेट होती है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो आप बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
रही बात सिप्लेक्टिन टैबलेट की, तो इसको ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ज्यादा मतलब अगर इसको आप कंटिन्यू खाते ही रहेंगे तो इससे क्या होता है, लीवर और किडनी पे इफेक्ट पड़ता है। लेकिन आप बहरहाल आप एक काम कर सकते हैं, इन दोनों दवाइयों को रेगुलर कम से कम 2 महीने तक इस्तेमाल करें। अगर आपको अपने शरीर का वजन बढ़ाना है, आपको शरीर को मोटा करना है, अगर आप चाहते हो आपका शरीर हेल्दी हो जाए, तो कम से कम इस दवाई का सेवन जो है आप 2 महीने तक करें, इससे ज्यादा ना करें। और इसको बंद करने के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि दवाई छोड़ने के बाद शरीर फिर दोबारा से डाउन हो जाए, फिर दोबारा हम कमजोर हो जाए और शरीर पहले की तरह फिर जो है पिचक ना जाए। तो दोस्तों ऐसा जो है जब होता है, जब आप दवाई को एकदम बंद कर देते हो, तो आपको एकदम बंद नहीं करना है, आपको सबसे पहले तो कंटिन्यू दवाई को 2 महीने इस्तेमाल करना है, जैसे मैंने आपको डोज बताई थी उसी डोज के हिसाब से। और 2 महीने के बाद आपको क्या करना है, एक गोली जो है जो सिप्लेक्टिन की है वो 2 या 3 दिन का गैप करके एक बार लेनी है, और जो A to Z की टैबलेट है उसको भी 2-3 दिन का गैप करके लेनी है, और 10-12 दिन के अंदर जो है धीरे धीरे करके इस दवाई को छोड़ देना है। इस तरीके से इसको छोड़ना है, एकदम बंद नहीं करना है। जैसे कि आप जब रोज रोज लेते हो तो 2 या 3 दिन में लो, फिर 5 या 6 दिन में लो, फिर 10 या 11 दिन में लो, ऐसे करके इसको बंद कर देना है। और बंद करने के बाद जब आप ये दवाई बंद कर दें, उसके बाद आपको एक एरिस्टोजाइम का सिरप लेना है, और उसमें से दो दो ढक्कन सुबह शाम पीनी है, और एक एक बोतल आप ये लेंगे और एक बोतल आपकी हफ्ते भर चलेगी, और हफ्ते दर तक एक हफ्ते तक या 10 दिन तक इसका आपको इस्तेमाल करना है, ताकि आपका पेट का डाइजेशन ठीक रहे। बस आपको इतना ही करना है, उसके बाद आपका शरीर वैसे का वैसे ही बना रहेगा, शरीर हेल्दी बना रहेगा, मोटा रहेगा, और आपका शरीर जो है दोबारा से जो है पिचकेगा नहीं, दोबारा से वैसा नहीं होगा। तो दोस्तों आपको मैंने ये टैबलेट के बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है कि इसके यूजेस क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको कैसे लेना है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो से कुछ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना, और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर भी आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड कुछ पूछना हो या कोई सवाल हो या आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।